Hey guys, welcome back to the channel. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम, ठीक है। '72 का ये कानून है, ये बेसिकली एक ऐसा कानून है जो कि दो पर्सन्स पे, दो प्राइवेट पर्सन्स पे जो है, एक दो प्राइवेट पार्टीज़ पे जो है अप्लीकेबल होता है। दो जो है कोई भी बिजनेस को लेके, कोई भी पीस ऑफ लैंड को लेके, या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह को लेके, एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपना इंश्योरेंस कभी भी किसी आदमी को बेचती है, किसी भी इंसान को बेचती है, तो उस समय भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डील होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हम जो है इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से अपने नयन चक्षु खोल के पूरी ध्यान से संयम सतर्कता के साथ इस वीडियो को देखिएगा और शायद जो है आपको बहुत कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्टार्ट हुआ था, बना था, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम। और जब ये 1872 में बना था ना, तो ये था 9वां कानून, ठीक है। जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट जो है कानून पास करते रहती है, तो 1872 में देखिए ये इंग्लैंड का लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस समय जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट बनाया करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये एक्ट बना था, ये वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उस साल का जो है 9वां एक्ट था। इसलिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक में देखते भी होंगे 9 of 1882, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इस एक्ट बनने से पहले ऐसे जो है हमारे पास टोटल 8 कानून और बन चुके होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये साल पे जाइएगा 1872, इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। तो इसको पूरी बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इंडियन पिनल कोड हो, या किसी भी लॉ का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको हम जो है कैसे पढ़ते हैं कि उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी हैं, कितनी धाराएं हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो हमारे मन में ना, हमारे माइंड में एक बेसिक आइडिया छप जाता है कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। तो गाइस, सबसे पहले जो है टोटल नंबर चैप्टर्स की बात हम करते हैं, तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अब इस 11 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर हमारे रिपील हो चुके हैं, वो है हमारा 7th चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, था इसमें पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अब ये जो है सेपरेट एक्ट बन चुका है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और एक हमारा चैप्टर है चैप्टर 11, वो है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी हमारा रिपील हो चुका है। तो हम जब इंडेक्स में देखते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है इस चैप्टर के आगे कि रिपील। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो चैप्टर 1 आपको दिख रहा है, चैप्टर 2 भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ऐसे करके चैप्टर 3 भी आपको दिखेगा, चैप्टर 4 भी आपको दिखेगा, ठीक है, चैप्टर 5 भी आपको दिखेगा यहाँ पे, चैप्टर 5, ये रहा चैप्टर 6 भी आपको दिखेगा, चैप्टर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें 76 से 123 सेक्शंस हैं, ठीक है, ये रिपील्ड हो चुका है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी, यानी कि अगर हमें सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ना होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग कानून है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 8 जो है वो यहाँ पे है, चैप्टर 9 भी यहाँ पर है बेलमेंट वाला, ठीक है, चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 एजेंसी है, और चैप्टर 11 जो है ऑफ पार्टनरशिप, ये भी जो है रिपील्ड हो चुका है, जिसमें 239 से 266 सेक्शंस हुआ करते थे, एक शेड्यूल हमारे पास हुआ करता था, वो भी जो है रिपील हो चुका है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, आपको बताना पड़ेगा। वैसे तो 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर 2 चैप्टर जो रिपील हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ 9 चैप्टर बचते हैं, ठीक है।
सातवां चैप्टर सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो रिपील हो चुका है, इलेवंथ चैप्टर जो है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट वो भी रिपील हो चुका है। और ये रिपील कब हुआ है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हुआ है 1930 पे 1930 में, पार्टनरशिप एक्ट जो हुआ है 1932 में हुआ है। ठीक है, इसमें कितने सेक्शंस थे उस वो जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बेफालतू और बेवजह की बातें। अगला हम चलते हैं कि टोटल चैप्टर्स हमने देख लिए, हम टोटल सेक्शंस देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर जो रिपील वाला जो चैप्टर है उसमें जो सेक्शंस है अगर उसको मैं हटा दूं तो हमें टोटल इसमें 190 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे जो रिपील वाले तो हट चुके हैं, इसमें तो है नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक में, ये देखिए लास्ट में कितना है, 239 से 266 तक ये जो है रिपील हो चुका है। तो अगर ये रिपील वाले सेक्शंस हम हटा देते हैं तो टोटल हमारे पास कितने सेक्शंस बच जाएंगे, 190 सेक्शंस। ठीक है, आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब सेक्शंस की भी बात कर ली हमने, अब देखिए ना इसके जो है हम शुरू से बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, इसको बोला जाएगा कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको बोला जाएगा भारतीय संविधान अधिनियम 1872। ठीक है, इसका एक्सटेंट और कमेंसमेंट, एक्सटेंट मतलब इसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो देखिए 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का जो है एक अभिन्न हिस्सा नहीं हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे उसकी अपनी एक संविधान हुआ करती थी, वहाँ पे उसका एक अपना रणवीर पैनल कोड हुआ करता था जैसे हमारे वहाँ इंडियन पिनल कोड है। तो इस हिसाब से 2019 से उसको जो है यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब जो है पूरी इंडिया में, अब आज के प्रेजेंट में 2024 में जो है पूरी की पूरी होल ऑफ द इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। इसी का मतलब होता है कि इसका एक्सटेंड यानी कि इसका विस्तार कब तक, कहाँ तक है। फिर बात करें कमेंसमेंट की, इसका जो कमेंसमेंट है यानी कि ये कब से जो है लागू होगा, सिंपल सी बात ये कही गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1872 में ये बना था, 1872 में बन के तैयार हो गया था, और लागू भी जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमेंस्ड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। सितंबर आपका कौन सा महीना होता है, नवा महीना होता है 1872। ठीक है, 1872 से ये कमेंस हो चुका है। तो इसको अगर आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है तो पहला सेक्शन तो यही हो गया आपका कि शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ से लिख लेना। शॉर्ट टाइटल क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सटेंड का है टू द होल ऑफ इंडिया, और कमेंस्ड फ्रॉम 1 सितंबर 1872। सेक्शन 1 हमारा निपट गया। सेक्शन 2 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसी को हम डेफिनेशन क्लॉज भी बोल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है, कुछ जो है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उनको डिफाइन किया गया है। अब मेरे साथ जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सनों के बीच में किया गया करार यानी कि एग्रीमेंट होता है। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये आप मान लीजिए आप हो, ये आपका एक दोस्त है, कोई ऐसा बेहद दोस्त जिसको आप जो है बहुत खास मानते हो, और आपके बीच में जो है कोई किसी भी चीज़ को लेन देन, किसी भी चीज़ को लेके लेन देन होता है, बाइक को लेके, कार को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, कोई भी चीज़ वो हो सकती है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप कोई जो है मोबाइल का लेन देन हो, किसी भी चीज़ का लेन देन, लेन देन किसी भी चीज़ का हो सकता है। और चलते चलते इस वीडियो, जैसे ये वीडियो जो है आगे आगे बढ़ेगी, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो के एंड में जाके अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं कहूँगा, मैं एक बार बोल चुका हूँ। तो विदाउट एनी हसल एंड बसल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अपना जो है इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो है कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट है दो जनों के बीच में, ए और बी, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, आप अपने आप को मानो, आप अपने दोस्त को मानो, दो बंदे का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। अब आपके बहुत सारों के माइंड में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। वैसे एग्रीमेंट तो हर एक चीज़ का हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो जिनको कानून को जो है कोई मान्यता नहीं देता।
अब जिनको कानून कोई मान्यता नहीं देता वो कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। इसलिए कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन जहाँ पे दे रखी है, 2H में कॉन्टैक्ट को डिफाइन कर रखा है, वहाँ पे सीधा बोल रखा है कि ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्टैक्ट। सीधी सी बात है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एग्रीमेंट या कॉन्टैक्ट क्या है। एग्रीमेंट जो है नॉर्मल फॉर्म है किसी दो बंदों के बीच में जो भी प्रॉमिस वगैरह हुआ है, और कॉन्टैक्ट जो है उसका लीगल फॉर्म है। सिंपल सी बात यह है, जिसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की हम बात कर रहे थे, जो पहला क्लॉज, इस चीज़ को समझिएगा, जो इंटरप्रिटेशन में जो आपको पहली चीज़ की डेफिनेशन मिलेगी, जिसमें 2A जैसे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। ठीक, तो आपको डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ के सीधी सी बात, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रपोजल या फिर ऑफर क्या होता है। तो 2A में क्या दे रखा है? प्रपोजल या ऑफर। वो सीधी सी बात ये कह रहा है कि जब कभी भी एक पर्सन अपनी जो है विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन को बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लेके तुझसे कोई सौदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बाइक तुझे बेचना चाहता हूँ, इसमें तू क्या कहना चाहता है? क्या तू मेरी बाइक लेना चाहेगा? क्या तू मेरा मोबाइल लेना चाहेगा? क्या तू मेरा घर लेना चाहेगा? इसमें इसकी जो है कंसेंट ये लेना चाहता है कि ये बी वाला बंदा क्या कह रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब ए ने बी को बोला, जब आपने अपने फ्रेंड को बोला मैं अपना जो है हाउस बेच रहा हूँ, मैं अपना घर बेच रहा हूँ, क्या तू मेरा घर खरीदेगा? तो आपने प्रपोज किया उसको कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैंने जो है मेरा घर बिका हुआ है, मैं तुझे प्रपोजल दे रहा हूँ, मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, क्या तू उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, तो इतनी सी बात समझ लेना, पहले वाला जो आपने अभी पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल और ऑफर की बात की गई है। अब आप ध्यान से दूसरी वाली को देखना, जो 2B का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज का बी वाला जो यहाँ पर है इसको देखना। इसमें लिखा हुआ कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, देयर टू का मतलब होता है ठीक वैसे ही, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यहाँ पे जो है फिर से दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो हो रही है कि प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और दूसरी हो रही है कि जब प्रपोजल को जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये की गई है कि एक तो जो है इसमें आपको बताया गया है कि प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है, बेसिकली प्रॉमिस को ही डिफाइन करता है ये वाला जो क्लॉज है, और साथ में ना ये भी बताता है कि एक्सेप्टेड जो प्रपोजल जो ऑफर आपने दिया, ठीक है, वो एक्सेप्ट कब होगा, ठीक है, इसके यानी कि एक्सेप्टेंस की बात भी यहाँ पर ये कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक, दो चीज़ों की बात ये कर रहा है कि ये बोल रहा है कि जब कभी भी जो दो पर्सन है, जब इसने इसको प्रपोज किया, इसने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा, और जैसे ही इसने प्रपोजल किया बी को और बी जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा उसका प्रपोजल, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है आफ्टर एक्सेप्टेंस। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है 2C में, दो यहाँ पे भी दो चीज़ों को डिफाइन करा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। तो यहाँ पे दो बंदों को डिफाइन किया गया है, प्रोमिसर और प्रोमिसी, ठीक है। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रोमिस करता है, जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है, वो प्रोमिसर होता है, द वन हु मेक्स द प्रोमिसेस। और प्रोमिसी कौन होता है? वन हु जिसको प्रॉमिस किया जाता है, द वन हु इज बीइंग प्रॉमिस्ड बाय द प्रोमिसर। इतना आप जो है इसमें लिख सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके बाद 2D जो है इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। देखिए ये जो है बहुत डिफिकल्ट टाइप की डेफिनेशन आपको लगती होगी, लेकिन ये कुछ ही नहीं कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये तीन चीज की बात कर रहा है, एक ये बात कर रहा है पास्ट की, एक ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, एक ये बात कर रहा है फ्यूचर की। अब देखिए लिखा कितने बढ़िया तरीके से है इसमें, पास्ट के लिए क्या लिखा है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज
डन और एब्सटेंड, ये दोनों जो वर्ड हैं ये पास्ट के वर्ड हैं। डन यानी कि पहले किया गया होगा, अब्सटेंट यानी कि करने से रोका गया होगा पहले, पास्ट में। डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, ये तीन वर्ड्स आप देखना। फिर उसके बाद लिखा है डज और एब्सटेन, एब्सटेंस एस, ठीक है, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग। और जो तीसरा लिखा है वो जो है फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में किए गए यानी कि भविष्यकालीन जितनी भी संविदाएं हैं, जितनी भी प्रोमिसेस हैं, ठीक है, वो भी क्या है, प्रोमिसेस होते हैं, वो भी जो है क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है राइज कर सकते हैं। और जो फ्यूचर वाला जो इसमें लिखा है कि प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। ये जो है तीन शब्दों को, जो है तीन सेंटेंस को इसमें डिफाइन कर रखा है। इसको मैं फिर से लेके आता हूँ आपके सामने, यही चीज जो मैंने आपको बताए हैं। देखिए, द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पास्ट हो गया, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये जो है प्रेजेंट हो गया, और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी कि प्रोमिस करता है कि जो है मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ करूंगा, मैं फ्यूचर में तुझे ये दूंगा, तो ये भी जो है क्या है, एक टाइप का प्रोमिस ही है, ठीक है, फ्यूचर प्रोमिस है। अब जो है उस प्रॉमिस करने के बदले में जो है प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कौन होता है, मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको अभी, ठीक है। प्रोमिसर कौन, जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसी कौन, जिसको प्रॉमिसी किया जाता है। तो इस वाले जो है इसमें लिखा हुआ है टू सी में, टू डी में, ये डी वाला चल रहा है, ठीक है, टू डी में जो है ये बताया गया, कोई भी चीज़ जो पास्ट में की गई या रोकी गई, प्रेजेंट में जो है कर रहा, प्रेजेंट में कर रहा कोई भी जो है प्रॉमिस, या फिर फ्यूचर किया गया, फ्यूचर में किया गया, फ्यूचर के लिए किया गया कोई भी प्रॉमिस, के लिए अगर कोई भी प्रॉमिस ही है, ठीक है, अगर कोई भी जो है प्रॉमिस ही है जिसको वादा कर रहे हैं, या तो पहले किया था पास्ट में, या अभी कर रहे हैं, या फिर बाद में, या जो है बात के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो है प्रॉमिसी अगर कुछ समथिंग करता है यानी कि बदले में कुछ करता है यानी कि बदले में कुछ देता है, ठीक है। जैसे मैं फिर से इसे लेता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल को, ए और बी को, ए ने जो है पास्ट में किए गए बी के किसी काम के लिए, अगर अभी जो है वो मान लीजिए बी ने ए की जान बचाई, अब ए जो है बी से बहुत खुश है कि तूने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी, आज जो है मैं तुझे उस जान बचाने के बदले मैं कुछ दे रहा हूँ, तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अगर तूने उस समय मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं जो है बहुत बड़ा आदमी नहीं बना होता, क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये अमूल्य है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। टू डी कुछ नहीं जो है कॉन्सिड्रेशन की बात करता है, सिंपल सी बात ये है, कॉन्सिड्रेशन यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिफल, ठीक है। ये प्रतिफल जो है तीन टेंसेस में बताता है, पास्ट में दिया, पास्ट में किया गया कोई भी वादा उसके लिए जो है प्रतिफल, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में दिया गया कोई भी कॉन्सिड्रेशन, ठीक है, उसके लिए, और फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में जो है करने के लिए कुछ भी काम, उसके लिए कॉन्सिड्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ ए और बी का, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो जो है सिंपल सी बात आप ये समझ सकते हैं कि बी जो है अभी प्रेजेंट में बहुत गरीब बंदा है, ए बहुत पैसे वाला है। अब जो है ए बी का फ्रेंड भी है, तो ए क्या करता है, बी की हालत देखते हुए बी की अभी प्रेजेंट में हेल्प कर देता है, ठीक है। और जो है बी इस समय बोलता है तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी हेल्प की, अब जो है मैं जिस दिन जो है आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, या जिस दिन मैं है जुडिशियल ऑफिसर बन जाऊंगा, जज बन जाऊंगा, या जो है जिस दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी, मैं कुछ बढ़िया सा कर लूंगा अपनी लाइफ में, तो उस दिन मैं तुझे जो है पैसे तुझे बढ़िया करके मैं तेरा जो है हिसाब कर दूंगा, और ये तेरा भार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है कॉन्सिड्रेशन फ्यूचर के लिए किस पे हो रहा है, बी पे, यानी कि अभी ए ने कुछ काम किया गया, बदले में बी को क्या देना पड़ेगा, कॉन्सिड्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सिड्रेशन देना पड़ेगा, तो वो अभी नहीं दे के फ्यूचर में देगा, इस चीज़ के लिए बी प्रॉमिस कर रहा है, सिंपल सी बात ये है।
प्रेजेंट पे, प्रेजेंट तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है आप प्रेजेंट में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कोई मकान वगैरह खरीद रहे हैं और बी ए और बी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ए ने मकान दिया, मकान के बदले में बी ने उसको पैसे दिए, मनी दिया, तो ये हो गया जो है प्रेजेंट फॉर्म में कॉन्सिड्रेशन। पास्ट फॉर्म में कॉन्सिड्रेशन ये होता है कि पास्ट में की गई कोई भी वॉलेंट्री सर्विस जो कि किसी भी पर्सन ने की हो सकती है। अगर इस रिस्पेक्ट में ए और बी को मानूं, ए ने जो है पास्ट में बी के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हुआ, ठीक है, अब प्रेजेंट, और उस समय ए की ऐसी हालत नहीं थी कि वो जो है बी की उस समय हेल्प कर सके, तो अब जो है अब 2024 में आते आते जो है ए की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ए की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए जो है वो पास्ट में किए गए किसी भी एक्ट को एक्ट के लिए अभी जो है कॉन्सिड्रेशन दे रहा है, ठीक है। पास्ट कॉन्सिड्रेशन, प्रेजेंट कॉन्सिड्रेशन, फ्यूचर कॉन्सिड्रेशन, तो 2D बात करता है कॉन्सिड्रेशन की। पास्ट में करे गए कॉन्सिड्रेशन को आप एक वाक्य से समझ सकते हैं कि पास्ट में जो है आप रामायण तो सभी जानते होंगे, रामायण में राजा भरत की माता होती हैं राजा दशरथ की पत्नी, अब एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं मालूम, कैकेयी या फिर कुछ भी, तो वो बोलती हैं, वो क्या करती हैं एक युद्ध में जो है राजा दशरथ की जान बचा लेती हैं, पास्ट में किया गया काम। अब जो है राजा दशरथ जो है जब वनवास हो रहा होता है ना राजा राम का, तो उस समय जो है कैकेयी जो है पास्ट में किए गए काम के लिए रुपया कंसिड्रेशन मांग लेती है। कंसिड्रेशन का मतलब कुछ मांग लेती है जो पास्ट में किया गया है, उससे बोलती है कि आपने जो है मैंने आपकी जान बचाई थी आपको याद है, और आपने उस समय मुझे बोला था कि जो है मैं तुम्हारा आभार नहीं भूलूंगा, इसलिए जो है इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो है मुझसे कुछ भी मांग लेना। उस समय जब युद्ध में जान बचाती है तो उस समय जो है राजा दशरथ बोलते हैं तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम जो है मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, और उसी बात को जब वनवास हो रहा होता है, वनवास इसलिए होता है क्योंकि राजा जो कैकेयी माता होती हैं वो बोलती हैं कि मैंने पास्ट में आपकी जान बचाई थी, इसलिए अभी आप जो है मुझे दो वचन दो। दो वचन क्या दोगे, कॉन्सिड्रेशन होते हैं उसके वचन, एक तो जो है मेरे बेटे भरत को राजा बना दिया जाए और दूसरा जो आपका जो बेटा है राम, ठीक है, उसको जो है वनवास कर दिया जाए। ये वाली सिंपल सी बात है कि पास्ट में किए गए किसी भी काम के लिए प्रेजेंट में आप कॉन्सिड्रेशन मांग रहे हैं। प्रेजेंट में तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रेजेंट में कॉन्सिड्रेशन आपका चल ही रहा है किसी काम को करने के बदले में। फ्यूचर में ये है कि कोई काम आपने अभी किया है किसी के लिए और उसका जो है पेमेंट वो आपको फ्यूचर में करेगा, और उसके लिए भी जो है वो दायित्व होगा, वो लायबल होगा। सिंपल सी बात ये है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 2D में ये लिखा गया है। ये जो है समय के 3 टेंस बताता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस, सिंपल सी बात। फिर आपने 2D देख लिया, फिर 2E में देखिए आप, 2E में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो फिर 2D के बाद 2E में चलेंगे, 2E में लिखा हुआ है एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट को डिफाइन कर रखा है, एग्रीमेंट को ऐसे डिफाइन कर रखा है, लिखा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। शब्दों पे जो है ध्यान दीजिएगा, कॉन्सिडरेशन क्या होता है अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मिंग कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है कि किसी भी प्रॉमिस, किसी भी किए गए प्रॉमिस के बदले में ए ने इसको बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे अपना घर बेच दूंगा, बी ने बोला कि मैं तुझे ये घर बेच देगा, मैं तुझे घर बेचने के बदले तुझे 1 करोड़ 1 CR दे दूंगा, तो इसका जो है 1 CR देना क्या है, कॉन्सिड्रेशन है। तो ये लिखा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर वो सेट ऑफ प्रॉमिसेस के लिए जिसके लिए क्या कॉन्सिड्रेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि बदले में कुछ देना, तो वो क्या है, वो ही चीज़ क्या होती है, एग्रीमेंट कहलाती है। यानी कि प्रॉमिस के बदले में कॉन्सिड्रेशन देना, यानी कि किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को देना, वो जो है क्या है, कॉन्सिड्रेशन है, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है, समझ गए होंगे आप। अगली जो लाइन है उस पे चलते हैं, 2F, ठीक है। 2F बात करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वो ये बोलता है
कि देखिए बेसिकली होता क्या है कि प्रॉमिस या प्रॉमिस के बदले में क्या क्या देते हैं हम, बदले में कुछ कॉन्सिड्रेशन देते हैं। उन दोनों का फॉर्मेशन ही क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि प्रॉमिस किसी ने किया, प्रॉमिस के बदले पे ही जो है प्रॉमिस करना। पहले बंदे ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरी जान बचाऊंगा, दूसरे ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे लद्दाख या शिल्लोंग या मनाली लेके जाऊंगा अगर तू मेरी जान बचाएगा, अगर तू दोस्ती निभाएगा। दोनों के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्सिड्रेशन है। और ऐसे ही किए गए प्रॉमिसों को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, अभी जो है मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप जो है अभी इतना समझिएगा। उसके बाद 2G पे चलते हैं। 2G पे क्या बोला गया है, अब देखिए एग्रीमेंट आप समझ गए। अब ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट करता है, यानी कि कानूनी तरीके से वो किया गया एग्रीमेंट दो जनों के बीच में, वो क्या है, करार है, एग्रीमेंट जो है लीगल है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वही जो है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। और यही जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2H। उसके बाद यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ सॉरी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वाइड एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात देखना यहाँ पे 2I अगर आप फोकस करेंगे, इसमें डेफिनेशन पढ़ाता हूँ पहले। 2I में लिखा है कि देख थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए लिखा हुआ कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बात कर रहा है वॉइड एग्रीमेंट की, 2G में यहाँ पे बात कर रहा है वैलिड एग्रीमेंट की, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वैलिड एग्रीमेंट यहाँ पे डिफाइन लिखा नहीं है, सिर्फ बोला गया है एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। 2I में बोला है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी कैसे, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, यानी कि सिंपल सी बात समझिएगा, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ए और बी के बीच में किसी चीज को लेके एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब वो जो एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का कारण है कि वहाँ पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ दबाव में किसी के, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, बी ने बदले में उसको क्या दिया, कुछ अमाउंट दिया, 2,000 रुपये दे दिए या 2 लाख रुपये दे दिए या 2 करोड़ रुपये दे दिए। अब हो सकता है कि ए ने उसको डराया हो, धमकाया हो, ठीक है, उससे जो है कोई भी जो उसकी कंसेंट जो है उसकी फ्री कंसेंट ना हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब सौदा तो हो गया, अब यहाँ पे सौदा हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो बी जिसको नुकसान, मान लीजिए अगर ए ने 2 लाख रुपए वाला मकान, बी मान लीजिए बी ने 2 लाख रुपए में ए को कोई मकान बेच दिया जिसकी कीमत क्या है, 20 करोड़ रुपए है या 20 लाख रुपए है, उसने बेचा 2 लाख रुपए में। ठीक है, तो 2 लाख रुपए में बेचा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ए ने एक एक घर है जिसकी कीमत है 20 करोड़, इसको इसने सेल कर दिया, किसको किया, बी को, कितने में किया, 2 लाख में। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई ए को नुकसान हो गया ना, ए को नुकसान हो गया कि बी को जो है कम में बेच दिया। अब क्या जो है ऑप्शन ऑफ द पार्टी देखी जाएगी, क्या बी को ये चीज़ मंजूर है, अगर बी खुश है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारे घर है, ये तो अपना भाई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, अगर अगर बी खुशी खुशी राजी है तो ये जो है कॉन्टैक्ट जो है जिसको हम वॉइडेबल कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं ये वैलिड भी हो सकता है। ठीक है, इसके दो दो पहलू निकलेंगे वॉइडेबल कॉन्टैक्ट के। एक तो ये वॉइड हो जाएगा, वॉइड कब हो जाएगा, जब बी सीधा मना कर देगा, बोलेगा मुझे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, मुझे कोअर्स किया था, मेरी फ्री कंसेंट वहाँ पे थी ही नहीं, इसलिए कॉन्टैक्ट वॉइड हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी जो चाहेगी, पार्टी इज सुपीरियर। और वहीं पर अगर बी खुश है, राजी है, तो वो जो है कॉन्टैक्ट जो है वैलिड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है या तो वो वॉइड होगा या फिर वो वैलिड होगा, और वो किसकी मर्जी पे होगा, वो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, और वो पार्टी कौन सी हो रही होगी जो कि इस डिसीजन से इफेक्ट हो, यानी कि उस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हुई हो। ठीक है, और टू आई पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से कि टू में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमने यहाँ पे दिखाया, कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में टोटल हमें कितने चीज़ देखने के लिए मिले, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यानी कि टोटल 10 चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रोमिसर वो होता है जो प्रोमिस करता है, प्रोमिसी कौन होता है, वो जिसको प्रोमिस किया जाता है। अब देखिए सेक्शन 3 खोलिएगा, ठीक है, सेक्शन 3 पे लिखा है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तीन चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन, काहे का कम्युनिकेशन, जो दो लोगों के बीच में सौदा हुआ है, ऑफर प्रपोजल, प्रपोजल का कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सेप्टेंस, उसी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन, यही जो है सेक्शन 3 में लिखी हुई है बात, कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, अब होता क्या है, आप समझिएगा बात को, फिर ए और बी हम ले आए यहाँ पे आप अपने आपको भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल लूँ, इसको अनुज बोल लेता हूँ, और इसको मैं क्या बोल लूँ, इसको मैं बुन्नू बोल लेता हूँ। बुन्नू नाम का एक लड़का है, एक अनुज नाम का लड़का है, दो आपस में जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लेके। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ए की सुगर फैक्ट्री है, बी को इस बात की भनक है, तो बी ए से बोलता है, बी ए को जो है ऑफ़र देता है, क्या आप अपनी जो है सुगर फैक्ट्री मुझे बेचोगे। ठीक है, इस ऑफर का जो है कम्युनिकेशन, यानी कि इस प्रपोजल का जो है प्रपोज करता है, यानी कि ऑफर और प्रपोजल दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया था, इसलिए आपको जो है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ए जो है, बी जो है ए को प्रपोज करता है, क्या आप अपनी जो है मुझे ये बेचोगे, शुगर फैक्ट्री बेचोगे। ए बोलता है चलो ठीक है, मैं आपको अपनी शुगर फैक्ट्री बेच देता हूँ। आपस में जो है ये बातें करते हैं, और बात करते करते इन दोनों का मन बन जाता है कि चलो भाई ऑफर कर लेते हैं। तो ए ने, इनके बीच में बात बात हुई, बात होने के बाद एक जो है ये अपने घर पे था। अब ए बोलता है भाई तूने मुझसे पहले जो है एक चीज याद है, तूने बात की थी कि यार तू मेरी शुगर फैक्ट्री खरीदेगा, उस समय तो जो है मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, अब जो है मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो सुन मैं तुझे भाई अपनी शुगर फैक्ट्री बेच रहा हूँ 5 करोड़ रुपए में, या 5 करोड़ ज़्यादा हो गया तो 5 लाख लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं तुझे अपनी शुगर फैक्ट्री 5 करोड़ में बेच रहा हूँ, मैं तुझे प्रपोजल कर रहा हूँ, यानी कि ए ने बी को प्रपोज किया। तो ये कब माना जाएगा कि इस प्रपोजल की जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, ये तब माना जाएगा जैसे ही जो है बी के पास इस बात की भनक लगेगी कि ए ने मुझे ऐसा बोला, यानी कि इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए की तरफ से जो है प्रपोजल की बात चली ना, यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट विल रीच टू द नॉलेज ऑफ बी। ठीक है, अब वहीं पे इस प्रपोजल का जो है एक्सेप्टेंस कब होगा, कि भाई तू मेरी जो है ये 5 करोड़ में खरीदेगा, यानी कि ये तब एक्सेप्ट होगा जब जो है बी ए को बोल देगा कि हाँ चल ठीक है भाई मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा।
तो यानी कि इसका मतलब बी ने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल को तोड़ देना यानी कि रिवोक कर देना। और ये क्या होता है, कब होता है, ये पूरा जो है आगे वाले सेक्शनों में डिटेल में दिया गया है। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से जो है एक जो है मैं एक स्टार्टिंग में ना एक आपको एक ड्राफ्ट टाइप का बता रहा हूँ क्या है कैसे है करके। फिर इसी चीज़ को है देखिए जो यहाँ पे थर्ड में डिफाइन कर रखा है ना कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, इसी चीज़ को ये कम्युनिकेशन को चार में दिया होगा, एक्सेप्टेंस को जो है एक्सेप्टेंस वाली जो बातें हैं, ठीक है, और ये रिवोकेशन वाली जो बातें हैं वो सेक्शन पाँच में दी गई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शन फोर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। फिर सेक्शन फाइव देखिए लिखा हुआ है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि रिवोकेशन कैसे किया जाएगा, रिवोकेशन हाउ मेड। उसके बाद दिया हुआ है सेक्शन सेवन में कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी कि यहाँ से आपका पहला चैप्टर शुरू होता है ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। चैप्टर वन में सेक्शन थ्री से लेके चैप्टर नाइन तक आपके पास यहाँ पर सेक्शंस हैं। तो धीरे धीरे आप ये भी लिख लीजिएगा, चैप्टर वन में जो है कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास सेक्शंस हैं। पहले और दूसरे तो आपने देख लिए, तीन से लेके नौ तक सेक्शंस हैं, ठीक है गाइस। चैप्टर वन में सेक्शन थ्री से लेके सेक्शन नाइन तक। चैप्टर टू जो है देखिए लिखा हुआ है ऑफ कॉन्टैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट, तीन चीज़ें यहाँ पे की गई है, ठीक है। देखिए सेक्शन टेन में लिखा हुआ ना, ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट होंगे, फिर वही जो है कॉन्टैक्ट कब वॉइडेबल हो जाएंगे। मैंने आपको वॉइडेबल का एक एलिमेंट बताया था बहुत एसेंशियल, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, और कब जो है वॉइड एग्रीमेंट होंगे। तो इन्हीं चीज़ को जो है इसमें बता रखा है, जैसे लिखा हुआ है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्टैक्ट, सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्टैक्ट इफ दे आर मेड बाय ये बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ध्यान से देखिएगा अपनी आंखें खोल के, सेक्शन 10 में एसेंशियल्स बता रखे हैं, और ये सेक्शन 10 अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बता रखे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होंगे, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है कब एक वैलिड होगा, किस इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच करता है, जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी भी तो हो सकती है ना, ए एक इंश्योरेंस कंपनी है और बी एक पॉलिसी होल्डर है यानी कि पॉलिसी खरीदने वाला, ठीक है, यानी कि नॉर्मल आदमी। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट ये हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुम मुझे जो है 1,00,000 रुपये का हम तुम्हें इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तुम हमें 1,00,000 रुपये दो और बदले में हम तुम्हें ये श्योरिटी देते हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर वो इंसिडेंट होता है तो उसके बदले जो है अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम आपके बच्चों को आपके लीगल हेयर्स को 1,00,000 रुपये देंगे, आप 1,00,000 रुपये दो हम आपके बच्चे को 1,00,000 रुपये देंगे, ठीक है। ये एक टाइप का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है और ये LIC वाला जो है यहाँ पे इस बंदे को पैसे नहीं देता, तो उसमें जो है वो क्या रीजंस डाल सकता है, या फिर जो है बी वाला जो है अगर ठीक है ए पे केस करता है कि भाई मुझे जो है मेरे जो है या बी का जो लीगल हेयर है वो ए पे केस करता है कि मेरे जो है पिताजी की डेथ हो गई, उनने इंश्योरेंस करवाया था और जो है अब इंश्योरेंस का जो है क्लेम हमें नहीं मिल रहा, तो जो इंश्योरेंस वाला है वो क्या बोल सकता है कि भाई हमारे बीच में कॉन्टैक्ट तो हुआ था, ठीक है, हमारे बीच में इंश्योरेंस का कॉन्टैक्ट हुआ था, इंश्योरेंस भी क्या है एक कॉन्टैक्ट ही है, तो लेकिन उसके एसेंशियल्स नहीं थे कॉन्टैक्ट के, जो वैलिड जो एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्टैक्ट के वो नहीं थे, यानी कि क्या नहीं था, जो हमारा LIC का जो एजेंट था जो बी के घर में जब वो गया था, ठीक है, वो जब बी के घर में गया था तो बी ने उसके कनपट्टी में एक बंदूक रखी हुई थी और बोला था ये पॉलिसी मुझे बेच दे और अगर बताएगा तो मैं अगर अपनी कंपनी वालों को बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हमारी एजेंट ने तो हमें बाद में आगे बताया ये पॉलिसी हो जो है पॉलिसी करने के बाद इसको पॉलिसी के कागज़ दे दिए थे उसके बाद आया। तो क्या होता है देखिए, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट फ्री कंसेंट, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है।
अब यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी, देखना सेक्शन 10 से आगे तक मैं कैसे लेके जाऊंगा। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है उनकी फ्री कंसेंट। अब उन्हीं पार्टीज की क्या है कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर लॉफुल कॉन्सिडरेशन, फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड आर नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वॉइड, ठीक है। वैसे बेसिक जो है एसेंशियल्स ये चार ही होते हैं। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, अब देखना फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कब होती है, इसको भी जो है बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। ये भी बता रखा है कि कॉम्पिटेंट कौन कब होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये भी बहुत अच्छे से बात बता रखा है। लॉफुल कॉन्सिडरेशन क्या होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये भी बहुत अच्छे से बता रखा है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि एसेंशियल, सेक्शन 10 में हमने चार एसेंशियल देखे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसी को जो है सेक्शन 11 में, जो इसका पहला वाला पॉइंट जो एसेंशियल एलिमेंट था फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, उसी को सेक्शन 11 में इन्होंने बता दिया। इन्होंने बोला कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी यानी कि फ्री कंसेंट क्या होगी, सॉरी इन्होंने बोला कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉम्पिटेंसी की बात इन्होंने सेक्शन 11 में बोल दी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी की बात जो है इन्होंने सेक्शन 11 में बोल दी। उसके बाद इन्होंने जो है इसी वाले कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिवाइड कर दिया कि कॉम्पिटेंट कौन होगा, कोई भी पर्सन क्या होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बढ़िया, यानी कि वो रेशनल जजमेंट बना सके, क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का अंतर कर सके। वो जो है एक मेजर होना चाहिए, 18 या 18+ होना चाहिए, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, साउंड माइंड मेजर, ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, बाय लॉ फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग, यानी कि देखिए साउंड माइंड तो आप समझ गए। अब देखना इसी साउंड माइंड को इन्होंने सेक्शन 12 में बता दिया कि साउंड माइंड क्या होगा। अब साउंड माइंड वो होगा जो भाई सही और गलत का फैसला कर सके, रेशनल जजमेंट बना सके, सिंपल सी बात यही कही है साउंड माइंड के बारे में। फिर आप देखना जो यहाँ पे आपको जो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने पहला एलिमेंट बताया, कोई भी जो दूसरा मैंने एलिमेंट बताया था फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, सेक्शन 13 में जो है डिफाइन कर रखा है कंसेंट को, सिर्फ कंसेंट को डिफाइन किया है कंसेंट क्या होगा। तो सेक्शन 13 में बोला गया है कि व्हेन टू और मोर पर्संस आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान देना, सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए और बी, अब इस बार फुटबॉल ले लेते हैं, ए के पास एक बच्चा है फुटबॉल है, बी जो है खेलने का इच्छुक है, ए और बी के बीच में इस फुटबॉल को लेने और देने की लेन देन की बात होती है। ए बोलता है मैं तुझे अपनी फुटबॉल बेच दूंगा 10 रुपये में, बी बोलता है अच्छा तो मेरी फुटबॉल, तू अपनी फुटबॉल मुझे बेचेगा 10 रुपये में, यानी कि दोनों जो है सेम थिंग की बात कर रहे हैं और सेम सेंस में बात कर रहे हैं, कंसेंट वही होती है। अगर मकान की बात की जा रही है तो दोनों को पता होना चाहिए दोनों मकान के लिए ही कंसेंट दे रहे हैं या मकान के लिए ही पैसे दे रहा है, या जो है इन दोनों को पता होना चाहिए, नॉलेज कंसेंट वो होती है। सेक्शन 14 में जो है फ्री कंसेंट को बता दिया, जो एसेंशियल एलिमेंट है ये एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पहले कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉम्पिटेंसी सेक्शन 11 में डाल दी, उसके बाद जो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज है वो सेक्शन 14 में डाल दी फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होगी, फिर से जो है इसके चार पार्ट कर दिए, फ्री
फ्री कंसेंट के, ध्यान से देखना, वो जो है सेक्शन 14 के बाद आ जाएंगे। फ्री कंसेंट को बोला उन्होंने कि ऐसी कंसेंट जो जिस पे कोवर्जन ना हो, ठीक है, जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, जिस पे फ्रॉड ना हो, ठीक है, जिस पे मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है, जिसमें मिस्टेक ना हो, ये जो पांच चीजें होंगी अगर कहीं पर, तो बोला जाएगा कि फ्री कंसेंट है। अब इसी को कोर्जन का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी के दबाव में आकर, ठीक है, किसी के दबाव में आकर, किसी ने बोला मैं छत से कूद जाऊंगा अगर जो है तुम मुझे R15 की बाइक नहीं दिलाओगे, कोर्जन है, दबाव है, बेटे ने अपने मम्मी को कोर्जन किया, यानी कि फ्री कंसेंट थी नहीं, या जो है बेटे ने अपने बाप को बोला प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो मैं वरना मर जाऊंगा, कोर्जन किया, दबाव डाला, ठीक है, या फिर जो है प्रॉपर्टी डीलर ने अपने जो है क्लाइंट को बोल दिया कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, ठीक है, या फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा, कोर्स किया, दबाव डाला उसे किसी चीज़ का, और अगर तू प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं करेगा, तो ये भी ऐसी ऐसे में ली गई उसकी कंसेंट, ए और बी के बीच में हो रहा है कोई भी एग्रीमेंट, और बोला जाता है किसी भी एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कि वहाँ पे जो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 10 में दे रखी है, ठीक है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, वो क्या होनी चाहिए, कंसेंट जो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और फ्री कैसे होगी, जब उसमें कोई कवर्जन ना हो, उसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, उसमें मिस्टेक ना हो। तो कोअर्जन सिंपल सी बात है, सेक्शन 14 चल रहा था, सेक्शन 15 में कोअर्जन दे रखा है, सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस दे रखा है, सेक्शन 17 में फ्रॉड दे रखा है, सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन दे रखा है, सेक्शन 19 में जो है मिस्टेक दे रखा है। मिस्टेक दो टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये तो चल जाएगा कि हाँ चल हमें तथ्य नहीं मालूम थे, तथ्य के अभाव में हम ये फलानी चीज़ कर गए, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से आपके आई होप कि आपके सेक्शन क्लियर होंगे। देखना मजाक मजाक में चल रहा है सब कुछ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये क्या है, ये फ्री जो है फ्री कंसेंट के एलिमेंट तो है। फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट एसेंशियल वैलिड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है, यानी कि इसी के एलिमेंट जो है इसके सेक्शन का पार्ट बनाते जा रहे हैं। फ्रॉड आप सभी समझते हैं, धोखा देना किसी को, मिसरिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए ये कोई काव है, काव का सौदा होता है किसानों के बीच में, काव को मान लीजिए कोई बीमारी है, ए और बी दोनों किसान हैं, ए बी किसान है, बी बी किसान है, ए बी को बोलता है कि मेरे पास बढ़िया अच्छी असली नस्ल की गाय है, ये 50 लीटर दूध देती है। जब बी इसे खरीद लेता है तो बी को पता चलता है ये तो जो है बहुत बेकार की गाय है, ये तो सिर्फ 2 लीटर दूध भी नहीं देती है, और कभी तो देती है कभी नहीं भी देती है। तो इसलिए यहाँ पे ए ने क्या किया, बी को मिसरिप्रेजेंट किया। अब ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ है गाय को लेने देने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप खुद ही लगाइए दिमाग, यानी कि बोलेंगे कि यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मिसरिप्रेजेंट किया गया, और अगर मिसरिप्रेजेंट किया गया और कहीं पे अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन समझ गए, फ्रॉड आप समझ गए, फ्रॉड में इतना कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आप समझते होंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिलेशन दो जनों के बीच में रिलेशन, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, टीचर सुपीरियर होता है, यहाँ पे स्टूडेंट को जो भी बात बोलता है स्टूडेंट बोलता है यस सर, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो है टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और एक रिलेशन में होता है जहाँ पे टीचर डोमिनियन स्टेटस में होता है और जो है स्टूडेंट बेचारा गरीब, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए, कहीं पे कोई अमीर व्यक्ति है और कहीं पे कोई गरीब व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, और कॉन्टैक्ट में हो सकता है कल के दिन कोई हेर फेर हो जाए, तो अगर कॉन्टैक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इस बेसिस पे चैलेंज किया जाएगा कि यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और गड़बड़ कैसी है, ए जो है इस ज़मीन का मालिक था, लैंडलॉर्ड था भाई 20 बीघे का, और यहाँ पे जो है बी वाला जो बंदा है वो उसकी उसकी जो है ज़मीन पे
क्या करता था, खेती करता था। अब ए और बी के बीच में इस ज़मीन, जैसे ये ए की पूरी ज़मीन है, ए की ज़मीन का एक पार्ट जो है बी को बेचता है। अब बी के ए और बी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कल के दिन कोर्ट में इनका केस जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बी के बिहाफ या ए के बिहाफ से, तो बी जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि भाई मुझे जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण जो है इसने मुझसे पैसे ले लिए थे, ज़्यादा ले लिए थे या कम ले लिए, या एक मेरी कोई संपत्ति इसने ले ली थी और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम लिखवा दिया था क्योंकि ये मुझसे डोमिनियन पोजिशन में था, ये मुझसे अमीर था, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिलेशन भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे हस्बैंड अर्निंग वाला बंदा हो, वाइफ जो है हाउसवाइफ हो। एक फादर और एक सन का रिलेशन भी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए फादर कोई बड़ा ऑफिसर हो, सन बेचारा गरीब हो, या फिर हो सकता है फादर बूढ़ा हो जाए और सन जो है अच्छा खासा कमा रहा हो, और जो है फादर जो है अब इस पे डिपेंड है सन पे, तो सन की गई कही गई बात जो है फादर को माननी पड़ती है। ये हो जाता है डोमिनियन रिलेशनशिप। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा, मान लीजिए सन फादर ने अपने पैसों से कमाई गई कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। अब सन बोलता है कि मुझे जो है ये प्रॉपर्टी, जब सन 28-30 साल का हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, फादर को बोलता है, और फादर बूढ़े हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ठीक है, प्रॉपर्टी फादर ने इसके नाम कर दी, ठीक है। अब इसके जो है अगर बुढ़ापे में अगर ये सन अपने फादर की जो है देखभाल और सेवा नहीं करता, तो होगा क्या कि फादर चैलेंज कर सकता है कि जो मैंने मकान अपने बेटे के नाम किया था उस समय जो है मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, यानी कि हमारे बीच में इस मकान का जो सौदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो जो है मैं खारिज करता हूँ, जैसे इस बेसिस पे कि उसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। फ्री कंसेंट कैसे नहीं थी, क्योंकि मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, हमें जो ये ग्रंथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़नी है, ऐसे हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए जनरली क्या होता है, जो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ आपको। जैसे सेक्शन 25 है, लिखा है कि एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन वॉइड। अब देखिए जनरल रूल तो हमारा यही कहता है ना कि कोई भी एग्रीमेंट होगा वो तभी वैलिड होगा, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब एग्रीमेंट दो जनों के बीच में हो रहा हो, उसके एवज में क्या होगा, कॉन्सिडरेशन होगा, तभी जो है वो क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर सेक्शन 25 क्या बोलता है कि वो सारे एग्रीमेंट जिसमें कॉन्सिडरेशन नहीं होगा, एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन क्या होता है, जनरल रूल तो यही है कि बिना कॉन्सिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 25 यही इसका एक्सेप्शन देता है कि हाँ हम इस बात को मानते हैं कि एग्रीमेंट जो है विदाउट कॉन्सिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस। जैसे गाइस ये अभी मैं जो है ना समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। और क्योंकि वीडियो की लेंथ अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और 1 घंटे से ऊपर, मतलब जो भी है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ में अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये खाली एक टाइप का इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसी इसी वीडियो में जो है आप इसी, मतलब हमारे चैनल में आपको आगे चल के पता चलेगा या आपको पता होगा पहले से कि हमने कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट का ब्रीच भी होता है, ब्रीच ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। उस ब्रीच ऑफ कांटेक्ट अगर किसी ने किया उसके लिए कैसे केसेस होते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो इस सब को जानने के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।